नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया बालाकोट एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान के हवाई हमले को नाकाम करने वाले पायलटों की स्क्वाड को 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 40 से अधिक अधिकारियों की कमजोरियों को पीएमओ एक पत्र के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें कुछ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। पीएमओ पहुंचे पत्र में हनी ट्रैप मामले से संबंधित अधिकारियों के नाम भी बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इसमें 42 अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य कई आरोपों की शिकायत की गई है। इंदौर के स्मार्ट सिटी कार्यालय स्थित संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी और कलेक्टर ने अपने ओपन लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। नो हिसाब, सिर्फ किताब के नाम से बनी लाइब्रेरी में शहरवासियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 3 पंप बंद होने से बीते दिनों पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने ताबड़तोड़ निगम से मदद लेकर व्यवस्था की। शनिवार शाम इंदौर पहुंचे प्रसिद्ध संगीतकार अनु मलिक ने शहर की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि अनु मलिक इंडियन आइडल सीजन 11 के प्रमोशन के लिए इंदौर आए थे। 5 दिन के एक्टिंग वर्कशॉप का बीती शाम इंदौर में समापन हुआ। सोनी टीवी सीरियल के अभिनेता सचिन खुराना, अभिनेत्री प्रीति चौहान और स्टार भारत के अमित लोहिया ने अपने अनुभव साझा किए। बड़वानी जिले के शेगांव में हुए सड़क हादसे में 17 साल के एक युवक बबलू को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में घायल का इलाज जिला अस्पताल में अभी जारी है। यूपी के कन्नौज में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के रोड शो में भारी जन हुजूम दिखाई दिया। सिकंदरपुर से सब्जी बाग तक पद यात्रा में कई भाजपा नेता पदाधिकारी शामिल हुए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर और हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 पर।